अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 सब्जेक्ट में। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए सेट गिवन है ए बी सी, बी सेट गिवन है बी डी एफ और सी सेट गिवन है ए एफ सी। तो इसमें आपने शोट ऐड करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। इसमें हमें ये प्रूव करना है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें या राइट आंसर हमारा सेम आए। तो यहाँ ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो इसमें हम पहले करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ हमारे पास 3 सेट गिवन है। अब आपने उन दो को सॉल्व करना है, पहले जो ब्रैकेट में गिवन है बी इंटरसेक्शन सी है, पहले ये सॉल्व करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। अब बी सेट के एलिमेंट लिखे बी डी एफ साइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद सी सेट ए एफ और सी। अब यहाँ पे आपने दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हुए आपने आंस के अंदर वो एलिमेंट लिखने हैं जो फर्स्ट में भी हो और सेकंड में भी हो, कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ आपका बी है वहाँ बी है नहीं, यहाँ डी है वहाँ डी है नहीं, यहाँ एफ है वहाँ भी एफ है, तो यहाँ पे आपका एफ आंसर है, ठीक है। उसके बाद एक हम ए लिखेंगे, हम ये आंसर है बी इंटरसेक्शन सी का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए सेट क्या है ए बी और सी, साइन ऑफ यूनियन आएगा। अब बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है वो एफ है। अब आपने इनका निकालना है यूनियन। अब दो सेट का यूनियन निकालने का मेथड ये है कि आपने जो एलिमेंट गिवन है दोनों सेट के अंदर उनको आपने लिखना है ऑर्डर में, उनको आपने अरेंज करना है। तो आएगा ए बी सी और फिर एफ आ जाएगा, यानी अल्फाबेट के लिहाज से इनको आप तरतीब से लिखोगे। तो आएगा ए बी सी एंड एफ। तो इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यहाँ हमारे पास यहाँ भी ब्रैकेट गिवन है, टू सेट भी यहाँ भी गिवन है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले करते हैं ए यूनियन बी। अब ए सेट का गिवन है हमारे पास ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद साइन ऑफ यूनियन आएगा, उसके बाद बी सेट लिखना है, बी सेट है बी डी एफ, तो यहाँ आएगा बी डी एंड एफ। अब इनको आपने लिखना है ऑर्डर में, इनको तरतीब लगाना है, तो आएगा ए बी सी डी एफ, और जो आपके एलिमेंट दो दफ़ा ने आपने एक दफ़ा लिखा, यहाँ आएगा फिर ए बी सी डी एफ, ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास। उसके बाद आप निकालते हैं ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए सेट लिखें ए बी सी साइन ऑफ यूनियन, उसके बाद लिखना है सी सेट, सी सेट है ए एफ सी, ए एफ सी। अब यहाँ भी को हमें लिखना है, अरेंज करना है, तरतीब लिखने, तो आएगा ए बी सी और एफ आ जाएगा, ए बी सी और एफ। अब उसके बाद क्या, इन दोनों का हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन, तो आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यहाँ पर देखेंगे पहले ए यूनियन बी का जो आंसर है वो ये वाला है ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ, उसके बाद साइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद ए यूनियन सी, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ। अब यहाँ पे आपने दोनों में जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है सेम एलिमेंट है वो लिखे, तो यहाँ भी ए है यहाँ भी है, उसके बाद यहाँ बी है यहाँ भी है, यहाँ सी है यहाँ भी है, यहाँ एफ है वहाँ भी है, तो हम लिखते हैं फिर ए बी सी एफ, ए बी सी और एफ। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 का 2 का हमारा आंसर हम लिख रहे हैं आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 प्रूव के लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसमें हमें यही प्रूव करना था कि
सेम आना चाहिए, वो आ चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है कि इफ ए इज इक्वल टू जीरो दिया है हमारे पास और बी इज इक्वल टू जीरो वन और सी सेट दिया है एम्प्टी, शो डेट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और राइट को हमारा सेम आए। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले सॉल्व करते हैं हम सेट को जो ब्रैकेट में बने कि बी इंटरसेक्शन सी। अब बी सेट क्या है, जीरो एंड वन साइन ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद सी क्या है, एम टी है। अब यहाँ हमारे पास दोनों में कुछ भी आप कह सकते हैं सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, यहाँ पे आप कहेगा एम टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अभी कंप्लीट लिखे हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए हमारे पास सेट है, उसके लिए एलिमेंट वो जीरो है, उसके बाद यूनियन, उसके बाद लिखना है बी इंटरसेक्शन सी को ये वाला है। अभी को आप लिखना है ऑर्डर में तरतीब से, यहाँ पर जीरो ए के एलिमेंट नहीं है, अगर सिर्फ इसको नाम दें इक्वेशन नंबर वन का। उसके बाद नेक्स्ट है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इनका हम पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर ए यूनियन सी, फिर दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। अब करते हैं पहले ए यूनियन बी। अब ए सेट में गिवन है हमारे पास, ए सेट है जीरो यूनियन बी सेट के एलिमेंट कौन से हैं, जीरो एंड वन। अब इनको लिखना है आपने ऑर्डर में, तो यहाँ पर आपका जीरो ना आ गया। दो सेट का यूनियन निकालते हुए जो एलिमेंट गिवन होते हैं उनको हम लिखते हैं ऑर्डर में, तो आएगा जीरो एंड वन। उसके बाद ए यूनियन सी, अब ए सेट के जीरो गिवन है, यूनियन सी सेट के गिवन है एम टी, जिसमें कोई भी एलिमेंट यूज नहीं होगा, इनको अरेंज करेंगे तो आपको जीरो आएगा, क्योंकि इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको हुआ जाएगा। दोनों का निकालना है आपने इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का तो आंसर को लिखते हैं पहले जीरो एंड वन, उसके बाद साइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन सी का वो जीरो है, अब जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट सेम है वो लिखते हैं, यहाँ भी जीरो है वहाँ भी है, तो ये जीरो आंसर है। अब इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, वन का जो आंसर है वो भी जीरो है और टू का भी, तो फिर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल है राइट हैंड साइड से। ठीक है, अब आपने इसका डिराइव करना होगा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने घर में इनकी प्रैक्टिस कर ली है और इनका आपने होमवर्क कर लिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।